गोरखपुर में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। थोड़ा खालीपन जरूर है गोलघर के इलाके में, लेकिन आपको बताते चले पान की दुकान पर यहाँ चुनावी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। निकाय चुनाव में क्या सोच रहा है गोरखपुर, इसी नब्ज को टटोलने आज तक की टीम गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर में नौजवान क्या सोचते हैं, गोरखपुर में बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं, गोरखपुर के वोटर्स का मूड क्या है और 4 तारीख को किसके पक्ष में जनता वोट करने वाली है, ये समझने से पहले देखिए कि गोरखपुर में टक्कर किसके बीच है। वैसे तो गोरखपुर में सीधी लड़ाई बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव और एसपी की काजल निषाद के साथ है, लेकिन बीएसपी के नवल किशोर नथानी भी मैदान में है। इस टक्कर में गोरखपुर की जनता क्या सोचती है सुनिए। पूरा एकदम ठीक से माहौल चल रहा है, बीजेपी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फिर से मेयर पद के प्रत्याशी को जीता है। मुद्दा सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर हमेशा खरा उतरती है, इसी मुद्दे को लेकर फिर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री का शहर बीजेपी ही लग रहा है कि कुछ बड़ा मुद्दा है इस बार का। अब विपक्ष के पास तो पिछले चुनाव में भूल और बुलडोजर का मुद्दा था, इस बार तो पता नहीं चल रहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा है कि नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर से और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार से बहुत प्रसन्न है और हमें लगता है कि गोरखपुर में अभी तक का जो ऐतिहासिक मतों से बीजेपी जीतते आई है उसमें कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में इजाफा होने वाला है। इस बार और बड़ी मात्रा में जीतेगी बीजेपी, क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है शहर का? विकास का मुद्दा है। हाँ। जी कर रहे हैं बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास, क्या क्या काम हुआ है? चारों तरफ चौमुखी विकास तो हो ही रही है, दिखाई दे रहा है लोगों को, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। बहुत बढ़िया चल रहा है। और बीजेपी विरोधी दल है गोरखपुर में कि नहीं है, सब बीजेपी वाले हैं? सड़क किसी का पता नहीं है, सड़क पे है, बाकी किसी के दिल में नहीं है, किसी के दिल में विरोधी दल नहीं है। बिना विरोधी बिना विपक्ष के इसलिए कि जो सरकार योगी जी की चल रही है इतना विकास की है, इतना शानदार जो है गरीबों में चाहे ग्राउंड पे आकर के, इसीलिए विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस हल्ला करने का काम कर रहे हैं और अफवाह उड़ाने का। ये बताइए अभी के बाद उसके भाई अशर को मारा गया लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, तो यूपी में गोरखपुर में सब चंगा है या लग रहा है? एकदम सब चंगा है। और जो अतीक और अशरफ की बात कर रहे हैं वो भी किसी को मारे हैं, वो मारे गए, बहुत अच्छा काम हुआ। गोरखपुर में भी बड़ा बाहुबलियों का बोलबाला रहता था, तो अभी सब शांति है? हाँ, अभी तो सारी चीजें शांति चल रही है, जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से हमें लग रहा है कि गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं कि जो लोगों के सामने आ रही हैं, और हमें तो लगता है बाहुबलियों का खात्मा है इस समय। बाहुबलियों का खात्मा हो गया है? देखिए माहौल निकाय चुनाव का है, बाहुबली और लॉ एंड ऑर्डर बहुत मायने नहीं रखता है। पिछले वर्ष इसी बरसात के सीजन में लोगों को नाव चलाना पड़ा था। नाव चलिया गोलघर में? नाव जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिछिया में नाव से एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था लोगों का, तो ये माहौल था जल भराव का, तो सबसे बड़ा मुद्दा निकाय चुनाव में जल भराव है। गोरखपुर में जल भराव का मुद्दा इतना सियासी हो चुका है कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने गोरखपुर पहुंच रहे हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गोरखपुर में जल भराव के मुद्दे पर दोनों तरफ से दावे और आरोपों की झड़ी लगी है। गोरखपुर में हर घर नल की योजना को हम लागू कर रहे हैं, जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान हो। यही पर ही नहीं, तरकुलानी में पहले से ही बहुत हैवी पंपिंग स्टेशन लगा दिया है कि अगर लगातार 72 घंटे भी पानी बरसे गोरखपुर शहर में पानी 1 इंची भी न जमे, सारा पानी को खींच करके बाहर कर दिया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी गोरखपुर शहर में जलभराव की समस्या को बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा मानती है, और अखिलेश यादव तो जब अपने मेयर पद की प्रत्याशी काजल निषाद के प्रचार में पहुंचे तो उन्होंने मंच से गोरखपुर में जलभराव की मुसीबत पर भी टिप्पणी की थी। इस चुनाव में सरकार के खिलाफ आप मतदान कर लेना, इन्होंने शहरों को कूड़ा बना दिया, इनके जहां जहां मेयर रहे हैं उन्होंने नालियों में उफनता हुआ आप कचरा गंदगी देख सकते हो, थोड़ा सा पानी बरस जाए तो यहाँ मेट्रो नहीं नाव चलेगी, ऐसी हालत पैदा की है। हालांकि अब गोरखपुर में बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि ना तो शहर में जल जमाव होता है और ना ही बिजली और ट्रैफिक की दिक्कत है। मैम इतना ही बस इनसे पूछूंगा, तब अच्छा कि अब अच्छा है, योगी जी के पहले की चीजें अच्छी थी कि अब अच्छी है? यही रोड था, यही थोड़ा आगे आ जाओ, पान की दुकान है, पान
ये भैया दोनों बस चीजें बता दें कि योगी जी के पहले शहर अच्छा था या योगी जी के बाद अच्छा है। तब अच्छा था कि पानी तभी लगता था, रोड पतली थी, जाम लगता था, यही सारी चीजें थी, सब कुछ बदल चुका। बहुत बल, अब आप चश्मा बंद कर दें, आंखें आपकी बंद है, आपको दिख नहीं रहा, बहुत कुछ दिख रहा है, आंखें बंद बिल्कुल बंद हो, क्योंकि इनको विरोध कर रहा है ना, विरोध करने के लिए बचा रहा है, यही बोलेंगे ना रही हुआ है। नंबर बढ़ाएं, मैं आपको छोटा उदाहरण, अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूं। मैं गोरखपुर में 98 से रह रहा हूं, 2009 से परिवार के साथ रह रहा हूं, लेकिन मुझे याद है 2012 से 2017 के बीच में मैंने इन्वर्टर की कम से कम 4 बैटरियां बदली हैं, और 2017 से अभी मेरी एक इन्वर्टर की बैटरी चल रही है, बिजली आ रही है लगातार, मुझे तो मिल रही है, एकदम। मैम अखिलेश सरकार में यहाँ बिजली मिलती नहीं थी, रात में सोते थे लाइट आती थी, सुबह उठते थे लाइट गायब हो जाती थी, सोने पे आती थी पता, जाने का टाइम था, आने का कोई टाइम नहीं था, बिजली जाने का टाइम फिक्स था, आने का फिक्स था, अखिलेश सरकार में अभी आ रही है, एकदम प्रॉपर आ रही है मैम, योगी जी की सरकार बनने बाद। और यही सर पहले 5 साल में काम नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है ना, कितने घंटे सबके गेट पे जनरेटर हुआ करता था, लोग आते थे धड़ धुआं अतिक्रमण हुआ करता था, आज देखिए किसी दुकान में जनरेटर, उसका तेल भी नहीं होगा 5 साल से, कुछ था ही नहीं।